अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल रिमशा ब्लॉग्स। ओके जी, आज आ गई हूँ मैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। पता नहीं क्या बोलना, खैर कट। ओके जी, आ गया मुझे याद। तो मैंने क्या बोला था, ये बोला था कि आज मैं ब्लॉग शूट करूँगी, हम लोगों ने जाना है आपी के, नहीं आपी के घर नहीं जाना, कट। ओके जी, आ गई मैं टेक थ्री के साथ। एक्चुअली मैं बहुत टेक लेती हूँ, एक्चुअली मुझे लगता है सभी लेते हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। अच्छा खैर, सबसे पहले मैं तुम लोगों को दिखा दूँ बाहर चल रही हैं सफाइयाँ, क्योंकि आज आई हैं वो लोग काफ़ी लेट। नाश्ता वाश्ता मैंने कर लिया था, वही खाई रोज़ की तरह, बाका खानी बोरिंग। खैर आज हमारा प्लान है चाचू के घर जाने का, उनका न्यू घर बना, सो प्लान बनाया है सबने, बाबा चाचू ने, कि उनका घर देखने जाएंगे। सो आज का ब्लॉग वहीं का होने वाला है एक बार फिर से। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि बाहर चल रही हैं सफाइयाँ, मुझे अभी नहाना है, नहाने के बाद होंगे रेडी और 7 बजे चली जाएगी लाइट। उससे पहले पहले मुझे अपना नहाना वहाना करना है ताकि लाइट बंद में कोई टेंशन ना रहे। तो जब सफाइयाँ खत्म हो जाएंगी भी मैं नहा लूँगी, तब तक तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो और वीडियो को लास्ट तक देख के जाया करो प्लीज़। अच्छा जी, ओके जी, मैं आ गई हूँ वापस। यहाँ पे कुछ हो गया है प्लान चेंज, तो सफाई वगैरह हो गई है, अभी हम जा रहे हैं बाज़ार। तो बाज़ार जाके तुम लोगों को पता चलेगा हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, तो वो तुम लोगों को मैं वहीं जाके बताऊँगी। तो बस मैंने कहा तुम लोगों को बीच में थोड़ा सा चेंजिंग जो है बता दूँ, तो वापस आके नहाएंगे। तो चलो हो जाते हैं रेडी। ओके जी, हो गई हूँ मैं रेडी। मैंने ना एक्चुअली अबाया ही पहन लिया फेस पे, पहले मैंने मास्क, क्योंकि यार वापस आके भी तो नहा के कपड़े चेंज करने थे, तो मैंने सोचा जरूर ऊपर अबाया ही पहन जाती, क्योंकि हम लोग बस बाज़ार ही जा रहे थे थोड़ा से काम के लिए। तो मैं हो गई हूँ रेडी, तो चलो अब चलें। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोग गए थे निषाद वालों के पास, इन लोगों के पास काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी, यहाँ से इतने लेने थे अपने लिए कपड़े। सो प्राइस भी काफ़ी अच्छी थी इनकी। खैर मैं यहाँ पे वैसे काफ़ी डर डर के ब्लॉग शूट करती हूँ, क्योंकि ये लोग शूट करने नहीं देते। यहाँ से रिद्धा ने लिए ड्रेसेज और बिल पे किया, और अब हम लोग गए अपनी दूसरी शॉप पे। एक्चुअली रिद्धा की बर्थडे थी जो कि अल्लाह के घर में ही गुजर गई थी, सो फिर उसके गिफ्ट अभी पेंडिंग थे। हम लोगों ने बोला गिफ्ट तुम अपने पसंद के ले लो, लेकिन ट्रीट के बाद ही गिफ्ट हम तुम तक पहुंचाएंगे। सो अभी ट्रीट जो है ना पेंडिंग है। खैर हम लोग यहाँ बीच ट्री पे आए थे। अच्छा जी, तो बीच ट्री से एक रिदा को पसंद आया था, दूसरा उसको सफ़ायर से आया था, एक मामा की तरफ से था और एक मेरी तरफ से था, मेरे और फैसल फहद की तरफ से। यहाँ पे बिल पे किया और अब हम लोगों ने जाना था बॉयसन, क्योंकि लगी थी भूख। एक्चुअली वहाँ पे खाना ही था, तो मैंने अभी तो खाना नहीं था, रिदा को लगी थी भूख, उसके लिए लेना था, तो मैंने भी ले ली, क्योंकि यार लेट नाइट क्रेविंग भी बहुत होती है। तो मैंने सोचा अगर वापस आके भूख लगी घर में तो फिर क्या करूँगी, क्योंकि घर में तो आज कुछ बना नहीं था। सो आज का प्लान वहीं पर था, सिर्फ सुबह का नाश्ता किया हुआ था। फिर आ गए हम लोग घर और अब होंगे हम जल्दी से रेडी। अच्छा जी, आ गए हम घर, और ये जो शीशा गंदा ना इसको करना इग्नोर। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ जल्दी से अपना ड्रेस, क्योंकि हो रहे हैं हम लोग लेट, अभी मुझे नहाना भी है। तो चलो पहले ड्रेस दिखा दूँ, ये रहा मेरा ड्रेस, ये मुझे मेरी आपी ने गिफ्ट किया था मेरी बर्थडे पे, और इसका कुछ सम लाइक मैंने इस तरह से इसका बनवाया गला, एंड ये सिर्फ प्रिंट है। ओके, बाकी सब कुछ तुम लोग को बाद में दिखा दूँगी, पता नहीं मेरे ड्रेसेस के ब्लॉग आएगा कि नहीं। बहुत जल्द मैंने एक्चुअली बहुत उसकी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अभी तक कुछ कपड़े दर्जी के पास हैं, जब तक वो नहीं आएगी मैं तुम लोगों के लिए नहीं बना रही, बट इट्स ओके, तुम लोग अभी ऐसे ही देख लो। तो ऐसे मैंने स्टाइल बनवाए हैं, और ये आइडियाज़ वालों से लिया था ये ड्रेस, और प्राइस मुझे नहीं पता क्योंकि ये बर्थडे गिफ्ट था। सो यस, तो चलो अब मैं तुम लोग को मिलती हूँ जल्दी से नहा के। ओके जी, हो गई हूँ मैं रेडी, ये रही मेरी फुल लुक, और नीचे मैंने ब्लू ही जूते, और नीचे बहुत मैसअप है पूरा रूम, मैसअप है जो भी कहते हैं। खैर अभी हो गया बहुत ज़्यादा लेट, बाबा हो रहे हैं गुस्सा, तो अभी चलो चलते हैं वहीं जाके मिलती हूँ। अच्छा यार, मैं बीच में तुम लोगों को बताती चलूँ कि मेरा व्लॉग बहुत लेट आया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी बीमार। एक्चुअली अभी भी मैं स्टिल बीमार हूँ, क्या पता तुम लोगों को मेरी आवाज़ से पता चल रहा हो। खैर सर्दी ना इस पर मेरी जान ही छोड़ी, हर 2 दिन बाद लग के बैठ जाती है। खैर हम लोग गए बेस्ती सुनते हुए, कवाली बाबा की सुनते हुए चाचू लोगों के घर में एंटर हुए, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, सबसे लेट हम लोग ही हुए थे। फिर वहाँ पे जाते ही ना खाना खुल गया था, फिर यहाँ पे हमने बैठ के खाना खाया, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। और यहाँ पे ना ऐसा नहीं आप लोगों को लग रहा, वो वाला सीन हुआ यहाँ पे कि शफीक अहमद रोटी खोल दे और सब ऐसे आ गए। खैर फिर हम सब ने खाया खाना, लड़के हो गए थे खड़े, हम सब बैठ गए थे। मैंने यहाँ पर चावल और लिया था टिक्की, और मेरे साथ बैठी हुई थी मिजना, उसने मैंने आलू वाली टिक्की ली हुई थी, उसने ली हुई थी साथ, उसने सब कुछ लिया हुआ था। हम लोगों ने 2 बार लेके खाया, उसके बाद हो गया खाना ख़त्म। जितने भी मर्द हजरात थे वो अंदर ड्राइंग रूम में जाके बैठ गए, औरतें हम लोग बाहर ही बैठी रही।
अच्छा जी, उसके बाद सर्व की गई स्वीट डिश जो कि ईमान ने बनाई हुई थी और काफ़ी मज़े की थी, कस्टर्ड विद सेवैयां। हम लोगों ने फिर उसके बाद वो खाई और रिव्यू भी दिया मिजना ने। पीछे काफ़ी शोर था कि आवाज़ बीच में ठीक से आई नहीं, तो रिव्यू कुछ यूँ था कि काफ़ी अच्छा है। अच्छा जी, वापस जहाँ पे होने वाला था होम टूर सबके लिए, क्योंकि फर्नीचर के साथ किसी ने देखा नहीं हुआ था, तो अभी जा रहे हैं सब लोग ऊपर रूम्स में। ये था फज्जर का रूम, माशाल्लाह कहना मत भूलिएगा। ईमान का मैं बीच में लाना भूल गई थी, उस टाइम मैं ब्लॉग शूट करना भूल गई थी। ये था अहमद और नूर का भाई। उसके बाद ये यहाँ पे ना नूर को हम कर रहे थे तंग, उसकी बर्थडे गुजरी थी कल और यहाँ पे हमजा ने उसको दिया था गिफ्ट, तो हम उसे तंग कर रहे थे, उसके बस छेड़ रहे थे हम उसको। खैर, यहाँ पे घूम रही थी अफसा, उसको बोलो घूमो, और यहाँ पे ना सियासत की गर्मा गर्मी छिड़ी हुई थी, सब यहाँ पे काफ़ी सियासत की बातें चल रही थी, हंसी मजाक चल रहा था, शुगल मस्ती चल रही थी, काफ़ी कुछ हुआ। उसके बाद ना फज्जर ने बनाई थी चाय और जो कि बहुत मज़े की थी, उसके बाद हम लोगों ने वो पी। और बस अपने ब्लॉग का करी हूँ यहीं पर एंड। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।